लखनऊ में हुए हादसे पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने इमारत हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है। इसमें लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब और संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मौड़िया के अलावा पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल हैं। कमेटी को 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। लखनऊ की कमिश्नर ने अपार्टमेंट के मालिक और इसे बनाने वाले यजदान बिल्डर्स पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। तो वहीं पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के परिवार का कनेक्शन सामने आ रहा है। अलाया अपार्टमेंट नाम की यह बिल्डिंग शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे के नाम पर है। शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं और अभी मेरठ के किठौर से विधायक हैं। उनके बेटे और भतीजे का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने आज मेरठ से शाहिद मंजूर के बेटे को हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर लखनऊ पुलिस जा रही है। शाहिद मंजूर की पोती के नाम पर अपार्टमेंट का नाम अलाया अपार्टमेंट रखा गया था। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे साथ घटनास्थल से रुचि कुमार जुड़ गई हैं, जो लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। रुचि, फिलहाल वहां से क्या अपडेट है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है या फिर ये अपने आखिरी पड़ाव पर है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि 16 लोगों को निकाला गया है, 2 की इसमें मौत हो गई है और 1 का अभी पक्का सबूत है पुलिस के पास कि 1 महिला अभी अंदर है। हालांकि जहां पे वो रहती थी वहां पे वो नहीं मिली है, इसलिए उनकी तलाश की जा रही है। डीजीपी ने ये कहा कि इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 2 लोग बाहर से आए थे जो इस बिल्डिंग में रुके हुए थे। तो डीजीपी ने ये कहा कि करीब 48 घंटा लगेगा ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। तो सामने देखिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी के लोग भी हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उस जगह पे जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे उसके नीचे कुछ लोकेशन मिल रही है कि कोई वहाँ पर है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से 2 लोगों की इसमें मौत हुई है हादसे में, एक बहुत ही तकलीफ वाला ये पूरा हादसा हुआ और जो फैमिली थी पूरी, एक तरह से जो छोटा बच्चा था उसको जब कल शाम को निकाला गया तो उसको ज़रा सी भी खरोश नहीं आई थी, बस वो सदमे में था। जो उनके पिता हैं वो बुज़ुर्ग हैं लेकिन उनको भी बहुत कम हाथ में चोट आई, लेकिन जो माँ और उसकी है उनको नहीं बचाया जा सका। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पूरा मलबा साफ किया जा रहा है और फिर ड्रिल करके नीचे जाया जा रहा है, क्योंकि जैसे रेस्क्यू हो रहा है तो करीब 5-5, 6-6 लेयर नीचे जाना पड़ रहा है तब रेस्क्यू कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है, लेकिन ये सब लोग टीम लगी हुई है कल रात से ही, 24 पूरे टाइम यहाँ पे काम हो रहा है कि जो लोग अंदर अभी फंसे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।